नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का वीडियो मैंने रामगंगा आवासीय योजना के ऊपर बनाया हुआ है, जो पिछले 6-8 महीने में जितने भी इनक्लेव्स, जितने भी सोसाइटीज के लॉन्च हुए थे, उन सब का मैंने कंसोलिडेटेड एक मैंने कंस्ट्रक्शन अपडेट बनाया हुआ है। और साथ साथ मैंने थोड़ा सा एड ऑन किया है रामगंगा आवासीय योजना के बारे में। और अगर आप लोग अपने अपने सोसाइटीज, अपने अपने इनक्लेव्स के बारे में देखना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टाइमलाइन दे दूंगा। सपोज आप साबरमती इनक्लेव के बारे में देखना चाहते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए कि आपका टाइमलाइन में कहां पर है, तो आप उतने ही आप देखिएगा। चलिए वीडियो एंजॉय कीजिएगा। बरेली विकास प्राधिकरण का नवीन कार्यालय, नया ऑफिस रामगंगा आवासीय योजना में बन रहा है, सेक्टर 2 में बन रहा है। प्राधिकरण का सबसे पहला ऑफिस था नैनीताल रोड पर था, जहां पर द स्काईवे अपार्टमेंट बन रहा है। अगर आपको बुकिंग करानी हो नैनीताल रोड के अपार्टमेंट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेक्टर 2 में काफी बड़ा ऑफिस बन रहा है ये। सेक्टर 7 में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी यहां पर कुछ दिनों में फंक्शनल हो जाएगा। रोहिलखंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये भी डोरा रोड पे ही पड़ता है ये। एक ओपन यूनिवर्सिटी का रीजनल ऑफिस भी यहां पर है, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है, इसका रीजनल ऑफिस भी सेक्टर 2 में ही है, निधि 1 के अपोजिट में पड़ता है ये। LIC का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, काफी बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहां पर फिनिशिंग स्टेज में है, ये भी डोरा रोड पर ही पड़ता है ये, आप देख सकते हैं ये। सशस्त्र सीमा बल ने भी यहां पर ट्रांजिट कैंप बनाने के लिए भी बरेली विकास प्राधिकरण से लैंड ली है, बहुत ही जल्दी एक ट्रांजिट कैंप भी बन जाएगा। अगर मैं दूरी की बात करूं तो मेडिकल कॉलेज यानी कि रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज से इसकी जो दूरी है, वॉकिंग डिस्टेंस है इसकी। सैटेलाइट बस स्टैंड से आप डिस्टेंस को लेंगे तो 5 मिनट की दूरी पे आप रामगंगा परियोजना है, 5 मिनट में आप सैटेलाइट से पहुंच जाएंगे रामगंगा में। अगर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बात करें जो पीलीभीत रोड पर है, तो वहां से मात्र 1 मिनट की दूरी है रामगंगा परियोजना की। और बरेली एयरपोर्ट जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट स्टार्ट है, वहां से 15 मिनट में आप रामगंगा पहुंच सकते हैं। सोसाइटी से पार्क ग्रीन बेल्ट तो होते ही, बट एक कॉमन जो पार्क रामगंगा आवासीय योजना में मिलेगा आपको, वो निधि 1 पार्क के रूप में मिलेगा, सेक्टर 2 में बन रहा है, बरेली विकास प्राधिकरण के बगल वाली जमीन पर ही बन रहा है। जितनी भी खाली लैंड दिख रही है, सारा का सारा निधि 1 है ये। काफी एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज मिलेंगी यहाँ पर। इसके साथ साथ आपको जो साइंस पार्क बन रहा है सेक्टर 8 में, वो भी एक मेन अट्रैक्शन रहेगा रामगंगा का। अगर हम स्कूल्स की बात करें, रामगंगा आवासीय योजना के अड़ोस पड़ोस में स्कूल्स हैं, वो है नालंदा महामाया स्कूल जो आपको नजर आ रहे हैं, ये GRM स्कूल और GD गोयंका स्कूल, ये सारे स्कूल डोरा रोड पर ही हैं ये। और ये स्कूल जो है SR इंटरनेशनल स्कूल एंड केशलता इंटरनेशनल स्कूल, राधा माधव पब्लिक स्कूल, ये सारे बीसलपुर रोड पर है। सरस्वती इनक्लेव के 100 कदम आगे बढ़ेंगे तो एक फंक्शनल पेट्रोल पंप भी आपको मिल जाएगा यहां पर। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का अपडेट दे देता हूं। मैं ब्रह्मपुत्र इनक्लेव के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद आप लोग खुद उसको देख सकते हैं आराम से। यह है 30 मीटर से मैंने व्यू दिखाया है आपको ब्रह्मपुत्र एनक्लेव का, जिसमें काम काफी तेजी में चल रहा था। ब्रह्मपुत्र एनक्लेव को मैंने कभी कवर नहीं कर पाया था, तो आज मैं उसको दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैंने सारे ही इनक्लेव, गंगा नर्मदा कावेरी, सारे ही मैं कर रहा हूँ। आप उसको तब तक आप उसको देखिए, इंजॉय कीजिए। ये ब्रह्मपुत्र का है अंदर, इंटरनल रोड्स देखिए काम चल रहा है, सीवर लाइन काम चल रहा है, ड्रेनेज काम चल रहा है, मोरले सभी में ऐसा ही काम चल रहा है। जो सबसे आगे चल रहा है वो गंगा इनक्लेव चल रहा है। चलिए आप लोग आगे का वीडियो का आनंद लीजिए।
बरेली विकास प्राधिकरण ने सेक्टर 12 में द ब्रीजी विलेज अपार्टमेंट्स की बुकिंग ओपन की हुई है। 6 मार्च 2022 तक उसका लास्ट डेट है। अगर आप में से जो लोग भी इच्छुक हैं तो बरेली विकास प्राधिकरण की वेबसाइट में जाके उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं अभी तक चैनल में बने हुए हैं, अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।